देख सकते हैं कि नीचे से वो भाई साहब उसमें लगा रहे थे लकड़ी, और यहाँ से देख सकते हैं आप कितनी स्पीड में इसमें ये निकल करके आ रही है और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होते जा रहे हैं। तो चलिए नीचे चल के जानकारी लेते हैं कि ये ट्रॉली कितनी देर में भर जाती है और कितनी लकड़ी की जरूरत होती है। दोस्तों हमारे साथ यहाँ पर आबिद भाई मौजूद हैं जो हमको इसकी जानकारी देने वाले हैं। भाई साहब पहले तो आप इस मशीन का नाम बता दो। इसका नाम है कटर मशीन। कटर मशीन जी। अच्छा थोड़ा सा इसका बताइएगा ये कैसे प्रोसेस में वर्क करती है, मतलब किस तरीके से चलती है बताइएगा थोड़ा। इसका गियर है ये जी। ये डल जाएगा तब उसके बाद ये इसे हत्ती को ऐसे करेंगे तभी अच्छा। आगे चलेगा। अच्छा तो मतलब यहाँ से ये जो है ये इसका ऑन ऑफ का बटन है यहाँ से। और दोस्तों इस मशीन की खास बात ये है कि ये किसी भी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है, वो चाहे आम की हो, नीम की हो, या फिर कोई सी भी लकड़ी हो। और इसका एक खासियत ये है कि बैक भी हो जाती है। अच्छा बैक मतलब बैक। जैसे हमें यहाँ से वो निकालने हैं तो ये पीछे से अपने आप निकल आएगा। बैक भी हो सकता है। अच्छा जी और थोड़ा सा आगे से आगे इसको दिखाइएगा मशीन को। जी जी ये इसकी कपलिंग है जी ये, और ये इधर से ये दोनों के बीच में ये कनेक्शन लगा हुआ है तो यहाँ से ये ट्रैक्टर के माध्यम से घूमती है जी। तो दोस्तों अभी हमको आबिद भाई यहाँ पर इसको चला करके दिखाने वाले हैं किस तरीके से कटने वाली है यहाँ पर। तो चलिए अब इन्होंने अपनी पोजीशन ले ली है यहाँ पर, और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना सारा जो लकड़ी वाला आइटम है ये यहाँ पर ये पड़े हुए हैं। अब इसको इस तरीके से पीसेस में यहाँ पर काटा जाएगा जी, दिखाइएगा। अब यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ से ऑन कर दी गई है, और ये वाली देख सकते हैं जो पुली है ये ऐसे रोटेट करने लगी। अब ये इसमें इसको लगा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का काम है। ओ भाई एक सेकंड भी नहीं लगा और सारा ये इसके अंदर चला जा रहा है, कितनी ज़्यादा कमाल की मशीन है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अब आप इनकी मेहनत भी देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ये मेहनत का काम है, और इसमें लकड़ी ये इस तरीके से जो आम के पेड़ों की हो गई या यहाँ पर ये जिस तरीके से देख सकते हैं जंगल की झाड़ियाँ हैं ये काट करके तब यहाँ पर ला करके फिर इस तरीके से इसको उसमें कन्वर्ट किया जाता है। बैक भी हो जाएगा, दिखाइएगा एक बार करके कैसे बैक होता है। ओ यहाँ से इस तरीके से ये गियर इसका बदलते हैं तो ये बैक भी हो जाता है। फिर से कर दीजिए, बहुत ही कमाल की मशीन है ये। और दोस्तों यहाँ पर अब आप देखिए कि कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं, सारे 5-6 लोग इसमें लगे हुए हैं और सब लोग बारी बारी से लकड़ी वाला पेड़ लेकर के आ रहे हैं और इसमें मशीन में लगा रहे हैं। कितना ये पावर लेती है ट्रैक्टर से और ये एक दिन में कितना काम करती होगी? ये तो हमारी मर्जी है कितना काम करना है इससे। अच्छा मतलब कि आप इसमें ट्रैक्टर में डीजल डालते रहे और ये चलती रहेगी? चलती रहेगी। और यहाँ से जो ऊपर लगा रखा है इसमें कुटी जाती है। अच्छा ये जो कट कट के जाती है ना पेड़ों की छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होके इतने से डिवाइड। अच्छा अच्छा इतना इतना डिवाइड होगा ऊपर जाता है इसमें। आपको बैठना है इस पे? हाँ जी बैठ तो जाएंगे, आप बताइए आगे क्या और इसको दबाना है क्लिच। अच्छा हाँ क्लिच दबा दिया ठीक है। और जो भाई ये गियर है जी जैसे कि हम क्लिच छोड़ेंगे अब तो वो ऐसे ही चक्कर चलना चालू हो जाएगा। और वहाँ से मतलब जैसे यहाँ से अभी क्लच छोड़ते हैं तो वहाँ से वो चलना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगता है जी। और हम इसका इसका भी इससे माध्यम रेस करेंगे इसकी। अच्छा ये एक्सेलरेटर है इसका जी। चलिए हम 20 की रफ्तार से रेस करेंगे। अच्छा ये 20 की रफ्तार में चलती है, इसको बढ़ा भी सकते हैं और भी ज्यादा और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कम से कम कितना 70-80 करते हैं? 22 से 23। अच्छा अच्छा भाई साहब बताइएगा इसमें ये कितना आ जाता होगा? इसमें लगभग 100 क्विंटल। 100 क्विंटल आ जाता है इसमें। अच्छा जी। अच्छा भाई साहब ये बताइएगा कि जैसे यहाँ पर ये जो ट्रॉली है ये भरने में लमसम कितना टाइम लगता होगा? इसे अगर जो लकड़ी ज्यादा मिल जाए गैल रखी भी तो 2.5 से 3 घंटे जी, और जो आराम आराम से करे तो 7 से 8 घंटे लग सकते। अच्छा और जैसे ये यहाँ पर ये इस तरीके से भर चुकी है तो अब इसका आगे क्या होता है, ये कौन से इस्तेमाल में आती है? ये भट्टे में भी इस्तेमाल आती है। आम के जो पत्ते वगैरह होते हैं वही इस्तेमाल किए जाते हैं? मतलब कि कैसी भी लकड़ी हो अच्छा सभी को काट देगी। जो ये टहनियाँ होती हैं जी जी, और जैसे जो मोटी वाली लकड़ी होती है ये नहीं काट सकती, इतने मोटा साइज काट सकती है। अच्छा अच्छा तो थोड़ा सा बताएंगे कितना इसका कीमत होती होगी? इसकी 2,30,000 की। 2,30,000 रुपए कीमत। अच्छा जितना भी यहाँ पर लकड़ी थी वो सारी खत्म हो चुकी है और इस तरीके से पूरी ट्रॉली भर चुकी है, और ये जो मशीन है बहुत ही कमाल की है, काफी ज्यादा स्पीड में काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मशीन और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।